अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है ऐड स्टेशन लेबल टू कोको पॉइंट। अगर अलाइनमेंट के साथ कोई कोको पॉइंट आपके पास ड्राइंग में है और आप उनको स्टेशनिंग की लेबल करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टेशन लेबल आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ये पॉइंट आपके ऑफसेट में जो वेरिएबल अलाइनमेंट्स होती हैं उनके हो सकते हैं, और अगर आपके कोई यूटिलिटी के पॉइंट हैं वो हो सकते हैं, पाइपलाइन के, लाइटनिंग पोल के, मैन होल, सीवरेज के, कोई भी हो, तो आप इनको लेबल कर सकते हैं एज ए स्टेशन। और अगर आपने कोई कस्टम स्टेशन ऐड करने हो अलाइनमेंट में, जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो वहाँ पे आप अपना कोको पॉइंट क्रिएट करके उस पर लेबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोको पॉइंट जो ऑलरेडी ड्रा है उनकी प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, एलिवेशन और पॉइंट नेम जो है वही इसमें अवेलेबल है अभी तक। इसके लिए मेरे पास ये एक लिस्ट है, मैं लिस्ट को लोड करता हूँ और इसकी कमांड है STA to DES। ओके, जैसे ही लिस्ट मैंने कमांड एंटर किया तो यहाँ पे सिलेक्ट अलाइनमेंट की ऑप्शन आई है, मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी मुझे जो पूछा जा रहा है वो पॉइंट सिलेक्शन का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंटर है मेरे पास, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है स्टेशनिंग जो है वो हमारे कोको पॉइंट में ऐड हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट लिस्ट में, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेशनिंग ऐड हो गई है। अभी अगर आप इनको एक्सेल में लेके जाना चाहें तो आप एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेल पे मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर दी है और यहाँ पे मैं इनको लाके पेस्ट कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं डाटा हमारा यहाँ पे आ गया है। ओके, अभी ये जो है स्टेशन की वैल्यू जो है जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। ओके, तो ये एक्सेल में भी आ गया है डाटा यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि सिविल 3D में ये लेबल कैसे आएगा। ओके, सिविल 3D में किसी भी कोको पॉइंट पे आप क्लिक करें। ओके, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में चले जाएं और प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन ऑनली करना है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसके साथ जो है हर पॉइंट का जो स्टेशन है वो ऐड हो गया है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे एनोटेशन टैब है, एनोटेशन में यहाँ पे अलाइनमेंट है और यहाँ पे ये स्टेशन ऑफसेट है, तो आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे अगर आप स्टेशनिंग चेक करना चाहें किसी भी पॉइंट की तो वो आप चेक कर सकते हैं कि वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये नोड है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 393.88, 393.88, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है इसमें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।